गाइज आज के टाइम में आपको इंडिया में रोड्स पर कई कारें चलती दिख जाएंगी, पर क्या आपको पता है कि पहले के टाइम में इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी थी? तो चलिए गाइज मैं बताता हूँ। जी हाँ गाइज, टॉप 3 कार ऐसी हैं जो कि इंडियन मार्केट पर राज करती थी। नंबर 3 पर आती है मारुति सुजुकी 800, और आपको पता होगा कि ये कार अभी तक मार्केट में चल रही है, और विकिपीडिया के हिसाब से इस गाड़ी की 27 लाख से भी ज्यादा यूनिट सेल हो चुकी है। नंबर 2 पर है मारुति आल्टो। अगर कोई दहेज पर गाड़ी देना चाहता है तो इस कार से बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है, और अभी तक 39 लाख आल्टो बिक चुकी है। और नंबर 1 पर आती है इंडियन एम्बेसडर, जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। इंडिया के अंदर इस गाड़ी की 40 लाख से भी ज्यादा यूनिट सेल हो चुकी है। गाइस अभी तक आपको ये बात पता थी, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और ऐसे रियल एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।